मुस्कान जी। हाय। कहाँ हैं हम? कब्रिस्तान। तो दोस्तों हम दोनों सुबह सुबह कब्रिस्तान में आ गए। सोचो सुबह कोई भगवान का नाम लेता है, कोई पूजा पाठ करता है, और ये देखो शर्मा जी हमें कहाँ ले आई है, कब्रिस्तान में। तो हम हैं अभी लस्क में, ठीक है। इट्स अ वेरी स्मॉल विलेज काइंड ऑफ अ थिंग, बट नॉट एग्जैक्टली अ विलेज। दिल्ली का ग्रेटर नोएडा है ये एक्चुअली। ग्रेटर नोएडा समझ लो NCR में, मतलब जैसे डबलिन दिल्ली हो गया, और उस हिसाब से ग्रेटर नोएडा है, आउटस्कर्ट्स पे थोड़ा सा पड़ेगा। और ना बहुत खुला खुला और बढ़िया बढ़िया सा, और मतलब मज़ेदार सा लग रहा है मेरे को तो एकदम, कि मतलब सुबह सुबह उठो, अपनी गाय भैंस पाल लो, उसका दूध वूध निकालो, और अपनी खेती करो, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। और सही लग रहा है, मतलब एकदम सेटल हो जाए फिर ही मैं तो हो जाऊंगा। तो नहीं नहीं ये नहीं बोलना भाई, सेटल ली, हम तो कागज साइन करके आए हैं कि हम वापस आएंगे। सो मुस्कान जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या आप हमें लस्क के बारे में कुछ और बताना चाहेंगी? लस्क इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और काफ़ी पुरानी है अकॉर्डिंग टू माई आयरिश आंट। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक वॉर हुई थी। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, सिटी से ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब लाइक 45 मिनट्स। और झूठ बोल रही है भाई, कल हमें 2 घंटे लग गए यहाँ आने में, पता नहीं कहाँ है, अलग ही है बिल्कुल भाई। नहीं, एयरपोर्ट से कार से आओगे तो सिर्फ 17 मिनट्स लगते हैं। ये इतना बड़ा झूठ है ना, इतना बड़ा झूठ है ना ये जिंदगी का। छोटा सा टाउन है, इसपे सारी चीजें हैं, सुपरमार्केट है, फार्मेसी है, डॉक्टर है, सलून है, जिम है, सब आसपास ही है। एंड रेसिडेंशियल एरिया है, बच्चे दिखेंगे खेलते हुए, डॉग्स दिखेंगे बहुत ही क्यूट क्यूट, और स्कूल भी है, सब है। और बाकी भाई मतलब थोड़ा सा तो फ्राइटनिंग टाइप का भी है, हॉरिफाइंग है, ठीक है। देख कौवे हुए उड़ते हैं भाई वो चर्च के ऊपर। मतलब थोड़ी सी यहाँ पे ना वो फीलिंग है, इतनी तो प्यारी जगह, हॉरिफाई भाई है तो सही। देख कमेंट्स में बताओ तुम्हें लग रही है क्या भाई। मुझे तो लग रही है, आप बताना प्यारी जगह है या हॉरिफाइंग जगह है, ठीक है। रात को मतलब जो हादसे हुए है ना देवो के साथ, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन इट? तो हम तीनों ना मूवी देख रहे थे और हॉरर मूवी देख रहे थे, इंसीडियस देख रहे थे। मस्त अपना पॉपकॉर्न खा के देवो को बहुत डर लगता है, वैसे चिल्ला रही थी। फिर बीच में क्या हुआ, तो जो मेरी लैंड लेडी है उनकी डॉटर आती है कभी कभी, जब वो बहुत लेट हो जाती है तो वो घर आ जाती है, वैसे वो सिटी सेंटर में रहती है। तो उसने गेट खोला चाबी से और देवो हार्ट अटैक, नीचे फर्श पे लेट गई भाई, वो लेट गई और उसको देख के मेरी हालत खराब हो गई कि क्या हो क्या गया एकदम से। ये हंस रही है दौड़े मार मार के वहां पे, और वो जो बेटी आई हुई है लैंड लेडी की, वो हम तीनों को देख रही है कि ये क्या पागलपन कर रहे हैं। एक नीचे फर्श पे लेटी हुई है, एक हंस रही है, और तीसरा वाला पता नहीं बहुत, हाँ मतलब मैं तो अजीब सा स्टेट में था कि ये हंस रही है, वो जमीन पे हुआ क्या है। फिर पीछे मुड़ के देखा, अच्छा ये बंदी आई हुई है उसकी लैंड लेडी की। थोड़ा तो हॉरिफाइंग है यार, देखो भाई वहाँ पे सिमेट्री मेमेट्री बनी हुई है इसके घर के पास, वहाँ चर्च भी है, वहाँ पे लोग दफन हुए हुए हैं, वहाँ पे कौवे भी ऊपर उड़ते हैं। बहुत कुछ होता है भाई, बहुत हॉरिफाइंग है, सच बता रहा हूँ, मानो या मत मानो।
ठीक है, तो जिसको रहना हो चर्च से दूर रह लेना बस। यस, हर हर महादेव। इंडिया पाकिस्तान सेम बिल्कुल डिटो। मतलब इंडिया पाकिस्तान की तरह है। हाँ, इंग्लैंड और आयरलैंड का हिसाब। अभी एक बंदा मिला था भाई, सारी कहानी बता रहा था वही कि कैसे इंग्लैंड ने इनके ऊपर भी कब्जा किया और कैसे फिर इन्होंने फाइट बैक करके आई थिंक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बनाया और ये सब चीजें। और भाई जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट में होता है ना, यहाँ पे ये सेम रबी में होता है इनका, फुटबॉल या जो भी बोल लो। मतलब वही है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान है ना, वैसे ही इंग्लैंड और मतलब यूके है ना, यूके और आयरलैंड का हिसाब किताब है। इनको भी उनसे उतनी ही चिढ़ और नफरत है जितनी हमें काइंड ऑफ होती है। तो बेसिकली कुल मिला के यही है इनका छोटा सा लस्क टाउन, ठीक है। और सही है जगह, आओ आप कभी घूमने के लिए तो यहाँ पे अच्छा लगेगा। सुकून है, मतलब शांति है, शहर से दूर है। तो इसी के साथ करते हैं आज का ये व्लॉग ख़त्म और हम मिलते हैं अगली बार और देखेंगे। यहाँ के स्प्रिंग रोल्स भी बहुत टेस्टी हैं। हाँ भाई, स्प्रिंग रोल खा लेना यहाँ पे, चाहिए नहीं। इनको मोमो खाने हैं यहाँ पे भी आके ना, मोमो खाने हैं, म्योनी चाहिए और साथ में वो तिखी वाली चटनी जरूर चाहिए, शिजवान वाली। लेकर आए हैं। हाँ भाई, सरोजनी नहीं निकल रहा इनके अंदर से यहाँ आके भी, ठीक है ना। अच्छा, कुछ ने तो जैसे अचार लिया ही नहीं है। अच्छा ठीक है चलो। तो अब ऐसा है, कुल मिला के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और हम मिलेंगे अगले बार किसी नई जगह पे और करेंगे फिर एक्सप्लोर। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।